अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, किचन विद आपी में आप सबको वेलकम करती हूँ। और आज हम अपने किचन में बना रहे हैं सागुदाना ड्रिंक। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सागुदाना ड्रिंक बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं: एक पैकेट रेड जेली, एक पैकेट ग्रीन जेली, 4 टेबलस्पून सागुदाना, 2 टेबलस्पून तुक मलंगे के बीज जिसे हमने पानी में भिगो दिया है, 1.5 टेबलस्पून जामे शीरी और 2 टेबलस्पून बारीक पिसी हुई चीनी ली है। ये थे इंग्रेडिएंट्स। और आप जूसर में 1/2 लीटर मिल्क डालेंगे। हम यहाँ पर फ्रेश मिल्क ले रहे हैं, आप पैकेट का भी यूज कर सकते हैं। और चीनी डालेंगे और आप कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और आप जामे शीरी डालेंगे और इसे कवर कर देंगे और इसका मिल्कशेक बना लेंगे। और आप जामे शीरी के अलावा कोई और फ्लेवर भी यूज़ कर सकते हैं। अब जामे शीरी का मिल्कशेक बिल्कुल रेडी है। 2 सर्विंग ग्लास लेंगे और इनमें ग्रीन जेली डालेंगे, फिर सागुदाना डालेंगे। सागुदाना और जेली को पानी डालकर अच्छी तरह पका लिया है। रेड जेली डालेंगे, 1 टेबलस्पून तुक मलंगे के बीज डालेंगे और सबसे लास्ट में जामे शीरी का मिल्कशेक डालेंगे। फ्रेंड्स, आप मुझसे इस रेसिपी के मुतालिक कमेंट बॉक्स और इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। सागुदाने का ये मिल्कशेक बहुत एनर्जेटिक है और अब हम इसे मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। सागुदाना ड्रिंक या मिल्कशेक अब बिल्कुल रेडी है और आप इसे डिफरेंट ओकेजन्स पर सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी, उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ किचन विद आपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।